हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर वेलकम एट द एमसीजी एकेडमी ग्वालियर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएफ के ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं, मैं लगातार आप लोगों के लिए जो एक्सपीरियंस की वीडियो लेकर के आ रहा हूं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये आरपीएफ एक्सपीरियंस का 10वां पार्ट है और इससे पहले मैं 9 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ। तो आप लोगों को लगातार एक्सपीरियंस वीडियो देखते रहना है। साथ ही साथ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आरपीएफ के बच्चे जो है एक जगह अच्छे से इकट्ठे हो सकें, इसीलिए मैंने आरपीएफ ट्रेड टेस्ट नाम से अपने मेन चैनल के नीचे एक और चैनल क्रिएट किया है। तो उसको आप आसानी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे से जो भी जानकारी होगी आप लोगों को उसी पर मिलेगी। और उस पर जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे आरपीएफ के हैं, जिससे आप लोगों को उनसे बात करने में आसानी होगी और सभी का आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ आपका यदि कोई भी परेशानी हो तो आप उस चैनल पर विजिट कीजिए और आप लोग किसी भी वीडियो को ओपन कीजिए, उसमें कमेंट कर दीजिए, तो आप लोगों को हर एक जो है बात का जवाब मिल जाएगा। और यदि आप लोगों का ट्रेड टेस्ट हो गया है और आप भी अपना यदि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को मिल जाएगा, चैनल पर विजिट कीजिए, जो कि मैं अभी आपको बोले देता हूँ। मेरा नंबर है आप लोगों के लिए 9303315375। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, साथ ही साथ आप लोगों का जो एक्सपीरियंस वीडियो का 10वां पार्ट है, इन भाई का कुछ अजब ही और गजब ही एक्सपीरियंस है। आप लोगों को प्रत्येक वीडियो देखना है, क्योंकि हर एक बच्चे का अपना अपना एक्सपीरियंस है। तो इनका एक्सपीरियंस बहुत ही अलग तरीके का है। इनका एक्सपीरियंस वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है और उनसे सुनना है कि आपने क्या सीखा। और आप लोगों को भी कोशिश करना है कि आप लोग अपना जो है मोबाइल नंबर आप हमें उपलब्ध करवा सको, किस प्रकार से जो है हम भी आप लोगों से संपर्क कर सकें। इसी प्रकार से आप लोगों को इनका पूरा वीडियो अंत तक देखना है। ओके, तो इनको पूरा ध्यान से सुनिएगा। सर आप बताइए, सर आपका ट्रेड टेस्ट हो गया? सर हाँ सर, मेरा टेस्ट हो गया है। सर किस दिनांक में था आपका ट्रेड टेस्ट? मेरा 8 अगस्त को था सर। सर आपका 8 अगस्त 2019 को? सर 8 अगस्त को था 2019 को। सर आप किस स्टेट से? हम वाटर कैरियर से थे सर। अच्छा, तो सर आप कहाँ देने के लिए गए थे ट्रेड टेस्ट? नासिक गए थे सर हम। तो नासिक गए थे, तो सर आप अपना अनुभव अपने भाइयों के साथ शेयर करना चाहोगे? हाँ सर बिल्कुल, क्यों नहीं सर। सर आप अपने भाइयों की बहुत मदद कर रहे हो, क्योंकि सर जब यदि आप अपना अनुभव शेयर करोगे तो भाइयों को मदद मिलेगी, किस प्रकार से क्या किया जा रहा है कि नहीं सर? हाँ सर। तो सर अब आप अपना बताइएगा सर, किस प्रकार से क्या हुआ सर? बिल्कुल शुरुआत से आपको अंत तक बताना है किस प्रकार से क्या क्या किया गया। और सर मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा क्या है भाइयों के क्वेश्चन मेरे पास, जो कोई भी उन लोगों के डाउट्स रहते हैं तो मैं उनको नोट कर लेता हूँ सर, तो आप थोड़ा उनका जवाब देते जाना कोई भी यदि मुझे डाउट बीच में आए तो। सर ठीक है सर। हाँ सर। अब बताइए सर, किस प्रकार से हुआ सर आपका, क्या क्या? सर पहले तो हम गेट के पास गए, मतलब वहाँ पे लाइन लगी हुई थी। सर करीब 4 बजे हम स्टेशन से निकले, फिर वहाँ गेट तक गए ऑटो से। हाँ सर। बाद में लाइन लगी थी सर वहाँ पे, फिर हम लाइन में खड़े रहे। फिर 5:30 बजे उन्होंने अंदर लेना शुरू कर दिया सर। हाँ सर। फिर बाद में सबको अंदर लेके, वो एक उनका कुछ था ऐसे शर्ट बना हुआ था टीम का, वहाँ पे सबको बिठा दिया सर। एक दिन में पूरे 500 बच्चे लेते थे सर वो। हाँ सर। वो 500 बच्चे लेते थे, फिर उनमें से सबको एक एक सीरियल नंबर दिया जाता था, जैसे ये 2-3 करके। फिर बाद में सीरियल नंबर देने के बाद वो आपको वहाँ पे साइन करने को बोलते थे, और दोनों हाथ के अंगूठे लगाने के लिए कहते थे। फिर दोनों हाथ के अंगूठे लगाने के बाद आपकी मतलब बैच बनाई जाती थी। हाँ सर। बैच बनाने के बाद वो कुछ अंदर लेके जा रहे थे, फिर अंदर जाके बिठा दिया जा रहा था। बिठाने के बाद कुछ देर के बाद वह आपका बायोमेट्रिक हो रहा था। बायोमेट्रिक होने के बाद फिर दूसरी रूम में ले जाके बिठाया जाता था। हाँ सर। हाँ। वहाँ पे बिठाने के बाद फिर वहां से निकाल के और दूसरी जगह बिठाने के लिए ले जा रहा था। वहां पे अपनी बैग वैग सब रख दिए, रखने को कहा था सर। हाँ सर। फिर क्या हुआ सर? बैग वैग रखने के बाद उन्होंने 14-14 लड़कों की जैसी एक बैच ली सर, मतलब एक पहले बड़ी बैच बनाई थी, उसमें करीब 56 लड़के थे। फिर 56 लड़कों में से 14-14 लड़के उन्होंने अलग अलग कर दिए सर। 56 लड़कों में 14-14 लोगों का बैच बना लिया? पहली मतलब उन्होंने 8 बैच की थी सर, 56 लड़कों की, 56 लड़कों की। ऐसा सर। वो सर मतलब बैच के हिसाब से कर रहे हैं, जितने लोग जा रहे हैं उस हिसाब से 10 बैच बना दे रहे होंगे इस प्रकार से सर? हाँ सर, मतलब पहले बड़ी बैच बनाते थे 56 की, उसमें से 14-14 बच्चों को अलग अलग कर रहे थे सर। वहाँ पे 14 गैस मतलब 14 चूल्हे है वहाँ पर। हाँ सर। तो 14-14 बच्चे अलग अलग कर रहे थे, फिर 14 बच्चों को वो 14-14 बच्चों को वहाँ पर लेके जा रहे थे सर। हमको सिर्फ रोटी बनाने को कहा था वहाँ पे। हेलो सर, बोलिए ना।
हाँ सर, हाँ बोलते जाइए सर। वहां पे हमको लेके गया था, फिर हमको सिर्फ रोटी बनाने को कहा था सर। वहां पे जैसे कि उन्होंने लेके गए, फिर खड़ा किया, उन्होंने कुछ बताया ऐसा ऐसा करना है आपको, 5 मिनट में रोटी बनानी है। हाँ सर, उसके बाद सर मतलब सर रोटी के लिए उन्होंने पूछा तो सर सभी के लिए अलग अलग बनवाई कि मतलब सभी से एक ही काम करवा रहे हैं? नहीं सर, किसी को कोई काम दे रहे थे, हमारी अगली वाली बैच को पकोड़े बनाने के लिए कहा था सर, हाँ सर, उसके और बाद हाँ सर, हमारी अगली वाली बैच को पकोड़े बनाने को कहा था, हमको रोटी बनाने को कहा था। फिर रोटी बनाते समय जैसे कि किसी का मतलब वो रोटी बेलने का, वहां हाँ सर, पे पूरी रोटी चिपक जाती थी सर, वो 5 मिनट का समय दे रहे थे। 5 मिनट का समय सर, प्रत्येक काम करने के लिए 5 मिनट का ही समय दे रहे हैं सर। हाँ सर, 5 मिनट का समय दे रहे थे, फिर 5 मिनट में से तीन तीन 3.5 4 मिनट वो स्टॉप कर दे रहे थे बीच में। हाँ ऐसा सर? सर, बीच में स्टॉप कर दे रहे थे, जो मानो कि जिसका आटा वो चिपक गया है वो बेलने में, हाँ सर, उसको निकालने में ही आधा वक्त लग जाता था सर। तो सर क्या कहते हैं मतलब वो चिपके हुए थे पहले से, मतलब वो बेलना खराब था, इस प्रकार से कह सकते हैं बेलन? हाँ, बेलन खराब था, कोई वो कोरपाट रहता है ना वो हाँ बेलने का नीचे हाँ वाला, हाँ सर, वो भी जिसका खराब रहा उसको आधा टाइम वैसे उसे वैसे ही निकल जाता था सर। मेरा भी वैसा ही था, मैंने साफ किया, फिर उसको साफ करने के बाद रोटी मतलब बेली अच्छे से, गोल रोटी बेली, फिर उसको पकाई सर पकाई, और रोटी पकाने के बाद उसको फुला दी सर। वो रोटी फुलना जरूरी है सर उसमें। हाँ रोटी नहीं फूला तो आप फेल। सर, रोटी नहीं फुला तो फेल, और रोटी वेर अगर काले काले थोड़े बड़े धब्बे अगर आ जाए तो भी फेल, ऐसा कैसे सर? ऐसा ही है सर। काला तो धब्बे वगैरह कैसे हटेंगे यदि हटाना चाहें तो सर? मतलब किस प्रकार सा से धब आप भाइयों को इस काला प्रकार से सा बताइए किस प्रकार से क्या किया जाएगा जिससे वो फैल ना हो, बस सर इतना अनुभव आप अपना शेयर कर दीजिए। मैं एक्सपीरियंस वीडियो इसीलिए लेकर के आ रहा हूँ क्योंकि हमारे भाई लोग क्या डरे हुए हैं बहुत सारे सर। हाँ सर, डरने का तो वो ही है ही सर, क्योंकि वो ले ही इसी तरीके से ले रहे हैं सर, कि वो डरने वाली बात ही है, क्योंकि अगर रोटी पर थोड़े बड़े बड़े धब्बे अगर आ जाए, मतलब जले भी नहीं हो लेकिन हल्के से धब्बे आ जाए, तो भी काट देते थे सर। और रोटी थोड़ी मतलब मेरी रोटी सर, मैंने रोटी गोल बनाई भी, फिर हाँ सर, उसको पूरे साफ किया, फिर रोटी बनाई, रोटी बनाने के बाद रोटी फुलाई सर, रोटी फुलाने के बाद वो रोटी फूल गई, रोटी हाँ सर, फूल गई तो फिर वो बोल रहे थे सर कच्ची है करके रोटी, कच्ची भी नहीं रखना था, चाहिए था सर मतलब और सर हर नरम एक चाहिए चीज रोटी। सर एक एक चीज बारीकी से चेक की जा रही है, यही कहना चाह रहे हो आप? हाँ हाँ सर, एक एक चीज बारीक बारीकी से चेक किए जा रहे हैं, और हाँ रोटी फुली हुई चाहिए चाहिए, और फूलने के बाद मतलब उसके उसके ऊपर कोई काला धब्बा नहीं चाहिए, एकदम हाँ सर, मतलब जलना भी नहीं चाहिए थोड़ी सी भी। थोड़ा काला हो गया तो भी काटते हैं, और थोड़ी मतलब जैसे फूल गई रोटी, तो फूली हुई रोटी कभी कच्ची नहीं होती सर। मैं 2 साल से रोटियां बना रहा हूँ, हाँ सर, तो मेरी रोटी फूल गई थी, फूलने के बाद वो कह रहे थे कि कच्ची है रोटी, लेकिन कभी फूली हुई रोटी कच्ची नहीं होती, और कच्ची रोटी कभी फूलती नहीं सर, सही कह रहे हो सर, ये या तो आपका परफेक्शन है सर। क्योंकि मैं 2 साल से रोटियां बना रहा हूँ सर। तो सर इन्होंने रोटियां नहीं, क्या मैं सब्जी वब्जी सब सब बना लेता हूँ सर, कोई भी डिश हो मैं बना लेता हूँ, फिर भी और कैसे चाहिए सर। और रोटी अपन ने बना ली भी, बनाई भी ली, और थोड़ी सेकने में वो ज्यादा हो गई वो पकाने में, और थोड़ी रोटी कड़क भी हो गई, तो फिर भी काटते हैं, और उनको चाहिए नरम रोटी, और नरम रोटी बनाने के लिए रोटी को ज्यादा पकाना नहीं पड़ता सर, रोटी फूली हुई चाहिए, और रोटी फूली हुई वो कभी कच्ची नहीं होती सर। तो मतलब सर सीधा सीधा बात ये है कि वो क्या है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा एक एक चीज बारीकी से चेक कर रहे हैं। सर ज्यादा से ज्यादा उन्होंने 500 बच्चों में से सिर्फ 25 बच्चे लिए है, मैंने खुद मुझाए सर वहां पे, खुद गिनती की है। हाँ, ऐसा है सर? 25 बच्चे लिए, अभी मैंने एक वीडियो देखा था 9 नंबर का, उसमें कहा था करीब 40-50 बच्चे लिए, नहीं लिए सर 40-50 बच्चे, वो झूठ बोल रहे हैं। मैं बहुत देर तक रहा, रिजल्ट विजल्ट देखा, वहां पे सिर्फ 25 बच्चे लिए है सर उन्होंने। हाँ ऐसा वो आप ही वाले दिन के सर, थे क्या? हाँ हाँ सर, मेरा भी 8 अगस्त को था। उनका भी 8 अगस्त को ही था। हाँ, लेकिन उनकी पहली बैच थी, हाँ हमारी 7वीं बैच थी सर। ऐसा सर, आपकी साथी बस थी हाँ सर, लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आ रही सर, सभी लोग बच्चे डरे हुए हैं तो इसके लिए आप कुछ बताइएगा तो जिससे क्या है कि बच्चों का थोड़ा भय दूर हो जाए, किस प्रकार से क्या किया जाए सर?
कैसे जैसे पहले वहां पे जाना जाना हाँ तो इनविटेशन जब देते हैं तो हाँ जैसे सिर्फ करीब आधा मिनट बता दे, आधा मिनट बताने के बाद जल्दी से स्टार्ट, ऐसे स्टार्ट बोल देते। कुछ सामान ठीक तरीके से देखा भी नहीं जा सकता, कहाँ पे क्या रखा है क्या नहीं, कुछ नहीं। ऐसा हाँ सर, बहुत जल्दी से स्टार्ट बोल देते हैं, और स्टार्ट बोलने के बाद जैसे 5 मिनट मिल जाते हैं अपन को, जैसे 5 मिनट भी नहीं मिलते उसमें से, 3.5-4 मिनट मिल जाते हैं। मैं खुद सर 3-4 मिनट में रोटी अच्छे से आराम से पका सकता हूँ सर, 4 मिनट भी नहीं लगते सर। लेकिन पहली रोटी जब हो तो तवा गर्म होने में देर लगता है, लेकिन वहां पे तवा गर्म होने में ज्यादा देर नहीं लगता है सर, क्योंकि वहां पे पहले से लड़के रोटियां बना बना के रहते थे, तो तवा गर्म रहता है। मुझे तवा गर्म रहने की मतलब तवा ज्यादा गर्म करने की जरूरत नहीं होती। और मतलब सर गैस वैस किस प्रकार की थे? कुछ लोग बता रहे हैं सर भट्टी किस प्रकार की होती है, थोड़ा आप हाँ सर, बताइए मतलब भट्टी किस। के हाँ सर, एक बात वो रहे, वहाँ भट्टी के गैस थे, और भट्टी के गैस में रोटी बक से जल जाती है सर। तो सर मेरी एक बात सुनिए, ऐसे भट्टी कैसी सर, तंदूर वाली भट्टी होती है या मतलब जो बड़ा चूल्हा होता है वो होती है? हाँ, बड़ा चूल्हे वाली है, मतलब मीडियम साइज की थी, खूब बड़ी भी, ज्यादा बड़ी भी नहीं और ज्यादा ज्यादा छोटी भी नहीं थी सर। मतलब सर मतलब क्या कहते हैं उसमें गैस जल रही थी या लकड़ियां? सर नहीं सर, गैस गैस। वो तो वो बड़ा वाला वो चूल्हा वो हम शादियों में यूज करते हैं वो वाला चूल्हा था सर। तो हाँ सर, बड़ा वाला चूल्हा। नहीं सर आपको वो उसको चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई सर? नहीं सर, मैं वैसे चला लेता था, सब चला लिया, चला वाला लिया। सिर्फ उन्होंने एक बात बोला, वो थोड़ा सा कच्ची थी, वो कच्ची है बोलते रहे थे रोटी, लेकिन कच्ची नहीं होना चाहिए। कभी फूली हुई रोटी कभी कच्ची नहीं होती सर, मेरी एक्सपीरियंस के अनुभव से। मैं खुद 2 साल काम किया हूँ सर, पूरी हाँ सर फूली हुई थी रोटी। और उन्होंने जब कहा मुझे कि ये रोटी कच्ची है, तो मैंने रोटी के दो पार्ट निकाल दिए, मतलब बीच में से दो भाग अलग अलग कर दिए सर, और उनसे पूछा ये रोटी कैसी कच्ची है बताओ अभी। तो तुमने ये पूछ के तो गलती कर दी सर। ऐसे अपन को हमें कुछ एक्सपीरियंस होल्डर्स ने बताया कि उनके सामने कुछ नहीं बोलना है, लेकिन क्या आपको नहीं डिस्क्वालीफाई सर, कर दिया था क्या? नहीं सर, वो पीछे वाला था ना, मैंने वो उससे नहीं पूछा, वो हमारे पीछे जो आदमी खड़ा होगा, मतलब उनका कोई होगा, वो उन्होंने उससे पूछा कहाँ रोटी कच्ची है, मतलब दोनों फुल के निकाल लिए सब मैंने, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला सर, खड़े ही चुपचाप रहे। हाँ ऐसा सर, तो सर आप तो ये बताइएगा तो वो क्या कहते हैं मतलब आप तो अपने भाइयों के साथ बताइए आप क्या शेयर करना चाहते हो बस। पहले तो अपन को थोड़ी मतलब सावधानी से काम करना है, हाँ और स्पीड ज्यादा होनी चाहिए सर हाथ में। हर चीज में स्पीड ज्यादा होना चाहिए क्योंकि सर हाँ, हर हाथ में व्यक्ति स्पीड हर बच्चे का स्पीड अपना अपना ज्यादा एक्सपीरियंस होना आ रहा है चाहिए सर, सर। हर बच्चे का अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस आ रहा है सर। आप भी कुछ ऐसा बताइए जिससे बच्चों को मोटिवेशन मिले और सर कुछ मतलब होपलेस ना हो, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसा कहते हैं मेरे सर जाएं कि नहीं जाएं, तो मैं कहता हूँ जाना तो चाहिए, एक बार जिंदगी ने मौका दिया है तो नहीं सही सर, है। जाना तो चाहिए, किसी को कोई काम देता है, किसी को कुछ काम देता है, अलग अलग हाँ काम दे रहे हैं सर, इसीलिए जाना तो चाहिए, जाना। हाँ हो सकता है आपका सरल पड़ जाए, सही है कि नहीं? हाँ सर, वो कहा है क्या है, वहां पे जाकर के पहले वो बड़ा सा लाइटर है सर, हाँ बड़ा सा लाइटर से गैस चालू करना है, मतलब ज्यादा बड़ी भी है, मतलब गैस को पूरा फुल भी नहीं करना है, मीडियम साइज पे चालू करना है सर। हाँ सर चालू करने के बाद वो तवा गर्म होता है, हो जाता है, तब तक अपन को रोटी बेलना है। हाँ रोटी बेलने के बाद तवे पे लेके डाल देना है, और बाद में वो रोटी अपन को अपने हिसाब से पकाना है सर। ऐसा हाँ सर, मतलब वो रोटी अगर अपन को मुलायम चाहिए, जैसे नरम रोटी चाहिए सर, तो रोटी को अपन ज्यादा नहीं पका सकते, और वो कह रहे हैं मुलायम रोटी चाहिए नरम। हाँ, तो उसको सर थोड़ा सा मतलब कच्चा ही रखना पड़ेगा। कच्चा नहीं रखना पड़ेगा सर, कच्चा कैसे रखेंगे, मतलब उसको उनके ऊपर ज्यादा धब्बे नहीं आने चाहिए, इस तरीके से सीखना है उसको। ऐसा सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने अपना अनुभव शेयर किया, क्योंकि हर एक बच्चा सर शेयर करना नहीं चाहता सर, ऐसे डर रहे हैं जैसे कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा सर, ऐसा कुछ नहीं है लेकिन पता नहीं सर बच्चे क्यों डरते हैं सर। आपने अपने भाई लोगों के साथ कुछ और बोलना चाहो, ये वीडियो आपके हजारों लोग अब सुनने वाले हैं सर। हाँ सर, हम बोलना चाहेंगे ना, क्यों नहीं, जो पूछना है वो पूछ सकते हैं, हम अपना अनुभव बता सकते हैं उनको। हाँ बस डॉक्यूमेंट्स में और बता दीजिए यदि डॉक्यूमेंट्स के बारे में कोई जानकारी हो तो। नहीं सर, डॉक्यूमेंट तो हमारा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे 25 बच्चे वहां से पास हुए, उनको ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेके जा रहे थे। और सर रिजल्ट वगैरह कितने टाइम से बोलते हैं सर?
सर बस वो 56 लड़कों की बैच हो गई जैसी हाँ एक, फिर हाँ वहां पे बिठाया गया पूरे लड़कों को। फिर हाँ पूरे लड़के को बता बुलाने के बाद मतलब जैसे जैसे करके समझ लो सर, पूरे जैसे 500 बच्चे गए थे। जब हाँ 500 बच्चों का सब हो जाए तो भी बता रहे थे सर। मतलब सभी के लिए अपन को वेट करना पड़ेगा। हाँ सभी के लिए वेट करना पड़ता था सर, पूरी लिस्ट लेके आ रहे थे वो। और देखो सर, किसी की मतलब मुझे कहा कि आपकी रोटी कच्ची है, मुझे साहब के पास लेके जाने ही नहीं दिया सर रोटी। ऐसा हाँ सर वो पहले से ही कह रहे थे आप मत लेके जाओ, कम से कम साहब के पास लेके भी जाए नहीं जाने दे रहे थे। और सर मेरा एक दोस्त था, हाँ सर उसने रोटी बनाई फुलाई पकाई सब सब कुछ की सब कुछ किया, फिर भी उसका जो टेबल था उसमें वो कह रहे थे वो बर्तन नहीं था रोटी लेके जाने के लिए वहां पर। वो बर्तन तो गलती तो उसकी नहीं है ना सर, क्योंकि बर्तन तो उनको रखना चाहिए था, वहां पे बर्तन ही नहीं था। फिर क्या करेगा वो लड़के ने फिर हाथ में लेके जाके रोटी दिखाई, तो फिर उन्होंने ही कहा कि ये क्या तरीका है क्या करके। फिर वहां पे तो बर्तन तो रखना चाहिए था सर, उस टाइम तो कोई अपना बर्तन नहीं देगा उसको। हाँ सही है सर, उस समय तो कोई नहीं देगा। तो फिर वहां पे बर्तन भी नहीं रखा हुआ था सर। मतलब ये भी है कि आप बताना चाह रहे हो कि यदि इस प्रकार से कुछ भी हो तो पहले पहले मतलब सब चीजें भी चेक कर लेनी है कि आवश्यकता अनुसार सामग्री है कि नहीं है। हाँ सर वो, लेकिन वहां पर उतना वक्त नहीं मिलता सर चेक करने के लिए, मतलब वो सीधा चेक करने उसने के लिए उन्होंने उतना बोल दिया वक्त भी नहीं टाइम स्टार्ट जो मिलता टाइम जहाँ स्टार्ट। से अपन को लेके जाए। जैसे चूल्हा नंबर मिलता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 करके, बस इतने चूल्हे है, हाँ ऐसा नंबर मिलता था। जैसे चूल्हा नंबर मिल जाए वहां उस चूल्हे पे अपन को जाना था। सर आपका शुभ नाम जान सकता हूँ सर? हाँ सर लक्ष्मीकांत वैद्य। सर लक्ष्मीकांत जी, आपने अपने भाइयों के साथ जो अनुभव शेयर किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि बहुत से हाँ बच्चे सर डर रहे हैं और सर बहुत से बच्चे जो इनका हो गया है वो लोग सर बता नहीं रहे। से आप जैसा बोल रहे हो, आपका एक मित्र और है सर, आप उसका नंबर मुझे सेंड कर सकते हो सर? नहीं सर, उसका नंबर तो नहीं है, सिर्फ मुझे वो ट्रेन में मिल गया था जाते जाते। हाँ ऐसा सर? सर चलो सर कोई बात नहीं सर, मित्र तो मित्र होता है, ट्रेन में मिले चाहे कहीं मिले, दोस्त तो दोस्त होते हैं, उसकी कोई हाँ बात सर नहीं। वो तो है, लेकिन गलती तो उसकी नहीं थी सर। उसको वहां पे बर्तन लेके वहां पे उसको बर्तन मिलना चाहिए था सर। और रोटी कोई कैसे भी बनाओ, सिर्फ साहब के पास वो रोटी लेके जाके दिखानी चाहिए थी लेकिन उसकी रोटी पहुंची सबको नहीं सर। पाई, लेकिन उसकी रोटी पहुंचाई नहीं है सर। पहुंचानी नहीं थी सर सबको रोटी, पहुंचानी नहीं थी साहब के पास। गलत है सर जी। तो सर ठीक है सर, इस बारे में अपन एक, मैंने जैसे कि बारे में आपको बताया कि YouTube चैनल तैयार कर लिया है। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, रोटी कोई कैसे भी बनाए, सिर्फ जो वहां पे कोई कुक रहता होगा वो मतलब रोटी चेक करने वाला या कोई साफ बैठा रहता होगा, उसके पास रोटी लेके जाने को कहना कहना था उनको। वो चेक करते थे, वो पहले ही कहते थे कि आपकी रोटी जली हुई है तो आपकी फूली नहीं, किसी की फूली है तो कच्ची है, साफ के पास लेके नहीं जा रहे थे। हाँ अपन को इतना तो कोशिश करना है कि साहब के पास तक रोटी तो पहुंच जाए। सर वो तो करना चाहिए था ना, लेकिन साहब के पास रोटी तक नहीं पहुंचाने देते वो। ठीक है सर, आपने अब इस बारे में अपन और भाइयों से चर्चा करते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या, कितने लोगों के क्या क्या व्यूज आते हैं इस बारे पर, क्या क्या कहना चाहते हैं। हाँ सर। ओके धन्यवाद सर।